नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राकेश और दीक्षा मित्रा रहने वाले उनकी शादी 20 मई को दोनों ने एक दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई थी। इसी बीच मदुरै के मंदिर के बाहर अधिकतर कपल शादी करते नजर आए। इन सभी की शादी 24 से 31 मई के बीच होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के बाद ऐसा करना संभव नहीं था। वहीं इधर मदुरै के राकेश और दीक्षा ने हवाई जहाज किराए पर लेकर परिवार के 131 सदस्यों के बीच शादी को पूरा किया। हालांकि दोनों की शादी 20 मई को ही हो गई थी। इस दौरान बहुत कम रिश्तेदार शामिल हुए थे। कपल के मुताबिक जैसे ही राज्य में एक दिन की छूट की घोषणा हुई तो उन्होंने शादी को यादगार बनाने का मन बनाया। कपल का कहना है कि सभी यात्रियों के RT-PCR टेस्ट कराए गए थे, इनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही शामिल किया गया। इसी बीच शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि कोरोना के बीच इस तरह ज़्यादा संख्या में लोगों को शामिल करना गलत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि तस्वीरों में नज़र आ रहे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SP ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है, ये अजीब तरह का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। We'll be right back.